खाने पीने पर टैक्स लगा रहे हैं, जो पढ़ने लिखने का जो कलम कॉपी खरीदने उस पर भी GST, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जो 300 रुपया मजदूरी करता है वो खाएगा कि पढ़ाएगा बच्चा? मेडिकल के छात्रों पर जो आंदोलन करते हैं उस पर लाठी चलाता है ये देश। आप लोग देखते हैं देश की तोड़ने वाली सरकार है ये हिंदू और मुसलमानों। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दोस्तक आपका मांग क्या है? मांग है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा पे जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ में। आज विरोध प्रतिवाद मार्च था पूरे बिहार में कि आज बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है पूरे देश भर में, इसके लेके हम लोग आज सड़कों पे हैं। ये महंगाई की गरीबों के थाली से रोटी चावल दाल ख़त्म हो रही है, जो कि आज 25 रुपये का आटा था वो 35-36 रुपये मिल रहा है, जो 30 रुपये का चावल था वो 45 रुपये में मिल रहा है, जो 30 रुपये का चूड़ा था वो नाश्ता का जो था होता था वो 40 रुपये मिल रहा है, मुढ़ी जो 40 रुपये किलो मिलता था वो 60 रुपये किलो मिलता है। ये 10 दिन के दरमियान में आसमान छूती महंगाई जो इस पर केंद्र सरकार रोक नहीं लगा रही है उसके खिलाफ में है। आज डबल GST डबल टैक्स लगाया जा रहा है जनताओं पर। डबल टैक्स क्यों देंगे हम लोग? एक टैक्स तो पहले दे ही रहे हैं, इसके बाद उस पर GST लगा के अलग से टैक्स देना इसके खिलाफ में है कि अलग से टैक्स हम लोग नहीं देंगे? जो कि खाने पीने पे टैक्स लगा रहे हैं, जो पढ़ने लिखने का जो कलम कॉपी खरीदने उस पर भी GST, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जो 300 रुपया मजदूरी करता है वो खाएगा कि पढ़ाएगा बच्चा को? आज देख लीजिए भागलपुर विश्वविद्यालय का स्थिति कि 9 महीना से कुलपति का ऑफिस का ताला नहीं खुल रहा है और प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं 9 महीना से, लेकिन मांगा जाता है विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजते हैं प्रभारी रजिस्ट्रार। ये पूरे सिस्टम के खिलाफ में पूरे सिस्टम खोखली हो चुकी है, जो जनता के साथ विश्वघात कर रही है, जनता के धोखेधड़ी कर रही है और दमन के जरिए लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबा रही है, इसके खिलाफ में आज प्रतिवाद कर रहा हूँ। अपना परिचय? अरविंद कुशवाहा, विश्वविद्यालय संयोजक भाईसा। पूरे देश स्तर पर, बिहार में खास करके पूरे संपूर्ण बिहार में महंगाई के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जिला मुख्यालय में महागठबंधन का प्रदर्शन था। सभी दल के लोगों ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने इस दल में भाग लिया। राष्ट्रीय जनता दल लगातार गरीबों की पार्टी है, गरीबों के साथ रहकर के लड़ना चाहती है। आज देखिए क्या है, जो 440 रुपये का मुफ्त में सिलेंडर मिलता था अभी जो है 1200 रुपये में मिलता है, उस समय जो है 50 रुपये में डीजल मिलता था अब 100 पार हो गया है, पेट्रोल जो है 60 रुपये मिलता था 100 के पार है। तो साथ ही आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो सरसों तेल 100 रुपये में था 200 पार है, जो खाद जो है आराम से मिलता था अब वो खाद जो है 600 रुपये में, 265 का खाद 600 रुपये में ब्लैक में मिलता है। तमाम सीमाओं पर जो है GST लगा दिया है। आप देखते होंगे कि देश के लोगों का महंगाई के खिलाफ में ज़बरदस्त आक्रोश है, इस आक्रोश के खिलाफ में आज प्रदर्शन था। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार, घोषणाओं की जब उत्तर की सरकार है, इन्होंने कहा था प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 7 साल में 14 करोड़ हुआ, इन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया, कहा सबके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा, एक भी के खाते में पैसा नहीं गया। पुलवामा हमले के सैनिक के शहीदों के लाश पर राजनीति करके ये जब उन्होंने सत्ता हासिल किए, अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहता है, जो इनके खिलाफ जो बोलता है उनको CBI ED लगा करके उसको जेल भेजता है। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। आंदोलनकारी नौजवानों पर, छात्रों पर, महिलाओं पर, आंगनबाड़ी पर, शिक्षक पर, दरोगा अभ्यर्थी पर, मेडिकल के छात्रों पर जो आंदोलन करते हैं उस पर लाठी चलाता है।
ये देश आप लोग देखते हो, देश के तोड़ने वाली सरकार है। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाली बात है। इस देश में पूजा होनी चाहिए पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का। ये हिंदू मुस्लिम करके लोगों को मंदिर के नाम, मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह करके देश की जनता को तोड़ना चाहती है। ये राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी के विचारों को मानने वाली पार्टी है। ये पार्टी मरते दम तक कभी भी भाजपा जैसे आरएसएस जैसे पार्टी जो हिंदुत्व की बात करे वैसे पार्टी के खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल बराबर आंदोलन की लड़ाई लड़ती है। आज महागठबंधन का महंगाई के खिलाफ में प्रदर्शन था, प्रदर्शन बहुत शानदार भागलपुर में रहा, जिससे कि पहली अंतिम सरकार वो जो है सुने सोनी मसूद प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। महागठबंधन जिंदाबाद, रोड पर नींबू पहन करके, गाजर डाल करके, प्याज का माला पहन करके, सिलेंडर को देवी बना करके डांस किया करते थे। कितना रुपए था उस समय सिलेंडर का? 410। आज कितना है? 1053। उस समय इन्हें जो महंगाई थी वो डाहिन लगती थी, आज इनकी मौसी बन गई क्या? आज 1053 का सिलेंडर है, उस समय 410 में तो इन्हें डाहिन लग रही थी महंगाई, और आज उन्हें मौसी नजर आ रही है, क्योंकि आज वो सरकार में। आज इस सरकार में रह करके जिस तरीके का उत्पीड़न इस देश की जनता का ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका खामियाजा आने वाले 2024 में एक एक मतदाता को लेना है, एक एक मतदाता को उनसे बदला लेना होगा, तभी ये देश आजाद होगा। Give us